Hey guys, welcome back to my channel. और आज मैं आपके साथ बैंगन के भरते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ. तो सबसे पहले हम जो है बैंगन को इस तरीके से गैस पे भून लेंगे और हम इसको चारों तरफ से अच्छे से भून लेंगे. और ये देखिए बैंगन जो है ये भून चुके हैं. अब हम इसको जो इसका ऊपर का जो छिलका होता है वो इसको निकाल लेंगे चाकू की हेल्प से. ये बहुत इजीली निकल जाता है चाकू से. तो बैंगन थोड़ा सा गर्म है और इस तरीके से हम जितने भी बैंगन हैं उन सबका जो ये छिलका है वो निकाल लेंगे. अब हम जो है गैस में जो है कढ़ाई रखेंगे और उसमें मस्टर्ड ऑयल का मैं यूज़ करती हूँ खाने में. तो मस्टर्ड ऑयल डालेंगे. और तेल गरम हो गया है उसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच जो है राई डालूंगी. और 1/2 छोटे चम्मच जो है मैं उसमें हींग डालूंगी. और जब थोड़ा सा ये जो ये मसाला है जो हींग और राई है ये सही से भुन जाएगा उसके बाद ही मैं इसमें ये लहसुन ऐड करूँगी. ये 11-12 कलियाँ लहसुन की मैंने जो बारीक काट ली है और ये ऐड करूँगी. और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज. करीब 4 प्याज थे ये मीडियम साइज़ के जो मैंने कट करे. और इस तरीके से जो है मैं इसको चलाऊँगी और इसको तब तक भूनना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए. और ये अपना कलर चेंज ना कर ले. आप देख सकते हैं कि इसने अपना कलर जो है चेंज कर लिया है. अब हम इसमें जो थोड़े से हमारे मसाले हैं वो ऐड करेंगे. तो इसमें जो हम नॉर्मल मसाले हैं वही ऐड करेंगे. हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा ये है जो मैं गरम मसाला पाउडर यूज़ करूँगी. मेरा जो गरम मसाला यूज़ करती हूँ वो मैं घर में पीसती हूँ तो उसमें धनिया और सारे मसालों का मिक्स होता है वो, तो मुझे अलग अलग डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. अभी हम इसमें नमक नहीं डालेंगे. और उसके बाद ये अच्छे से जो मैश किए हुए बैंगन थे उसको इसमें ऐड कर लेंगे हम लोग. और इसको अब एक थोड़ा सा इसको चलाएंगे एक बार. और इस तरीके से इसको चलाने के बाद बैंगन को बहुत अच्छे से मैश कर लेना है. और इस तरीके से चलाने के बाद ये जो है 2 मीडियम जो टमाटर है मैंने कट करके रखे थे और 4-5 जो हरी मिर्च है वो भी बारीक कट करके रखी थी. तो इस तरीके से अब इसमें टमाटर भी डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से चलाएंगे. और अब इस टाइम पे जो है हम इसमें नमक ऐड करेंगे. नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप डाल सकते हैं, आपको जैसा भी पसंद हो. और मिर्ची को भी आप उतना ही डालिए जितना आपको पसंद है. तो आज मैंने मिर्ची थोड़ी सी इसमें तेज रखी है. और इस तरीके से हम इसे अच्छे से चलाएंगे टमाटर और हरी मिर्च ऐड करने के बाद. इस तरीके से बैंगन का भरता बनाने से काफ़ी टाइम बच जाता है. और अब जो है इसको अच्छे से कवर कर देंगे कढ़ाई को और बीच बीच में एक बार इसको चलाएंगे. और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से जो टमाटर है वो गल गया है और अच्छे से बिल्कुल मैश हो गया है इसी में ही. और इस तरीके से जब हम भरता बनाते हैं तो उसमें कलर भी बहुत अच्छा आता है और उसका टेस्ट भी जो है बहुत अच्छा आता है. और आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से मैश हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है ये इस तरीके से. तो वो जो टाइम होता है टमाटर को अलग से कुक करने का वो इसमें बचता है. और हाँ, हार्डली 5 मिनट लगता है बैंगन का भरता बनाने में इस तरीके से. और अब हम इसमें जो है थोड़ा सा जो धनिया है वो ऐड करेंगे. थोड़ा सा धनिया मैं इसमें अभी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी. और जो थोड़ा सा धनिया है वो मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी जब मैं बैंगन के भरते को सर्व करूँगी. तो ये बैंगन का भरता जो है रेडी है बिल्कुल बनके. और अब मैं इसे एक सर्व कर रही हूँ और इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और ऊपर से धनिया के पत्तों के साथ मैंने इसे गार्निश कर दिया है.
कैसा लगा आपको मेरा ये बैंगन का भरता, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये तैयार है बैंगन का भरता।